सो हेलो निक फैम्स, आज की ब्लॉग की ना स्टार्टिंग हो रही है कितने बजे से, 8:48 से। और आज हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, हमें ना आज ना आमेर घूमने जाना है, और आज क्रिसमस है तो आज हम अपने दोस्तों के साथ बहुत जगह घूमने जाएंगे। तो देखते हैं आगे, चलिए आपको लेके चलते हैं। ओए मेरी बात सुन ले पहले, बंद कर। ओए आ जाओ सारे। बिल्लू भाई कहाँ गए? कहाँ चल रहे अपन? हम चल रहे हैं हमारे के पीछे, वहाँ पे 10 करोड़ लोग। ये हमारे मंत्री जी, ये मोस्ट वांटेड मुंडा भाग गया था। हम आमेर बस से जा रहे हैं, हमने सारे दोस्त जा रहे हैं। तो भाई आमेर में फिर अपन कितने मजे काटने वाले अब तो? भाई अपन ना आमेर के अंदर नहीं चलेंगे, आमेर के पीछे जाएंगे, आमेर के पीछे चलेंगे, जंगलों में जाएंगे। जंगलों में, जंगल में एक झील, वहाँ पे एक बहुत सुंदर झील है, वहाँ पे जाएंगे। भाई मेरा प्लान है कि यार आमेर के 10 किलोमीटर अंदर है ना महादेव जी का मंदिर है भूतकारेश्वर, वो अपन को लंबा पड़ जाएगा। एक बार ट्राई करेंगे अपन वहाँ पे जाने से। वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे जरूर, जाएंगे देखेंगे। नहीं भाई 10 किलोमीटर दूर है और महादेव बुलाएंगे अपन लोग, चलेंगे ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करेंगे महादेव को, पर महादेव बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करके देखते हैं भाई। भाई इतनी देर से चल रहे हैं यार तनिष, ये हमारा मोस्ट वांटेड मुंडा। अब हम आमेर के लिए बस ढूंढेंगे यार, पता नहीं कहाँ मिलेगी आमेर के लिए बस। A few moments later. डिस्कशन चालू है भाई, डिस्कशन यहाँ पे वो हो रही है, क्या कहते हैं, बार्गेनिंग चल रही है रिक्शा वालों के साथ, और हम दोनों ऐसे ही वेले बैठे हैं। हाँ यार क्या करे, बादशाह लोग काम नहीं करते, नीचे अपने नीचे अपने जो अंडर के अंदर है ना वो काम करते हैं। देख लो सारे भाई, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, वायरल हो जाएंगे। A few moments later. यार इतनी देर होगी, ऑटो रिक्शा वाला मिल ही नहीं रहा। साला इतनी देर होगी, रिक्शे वाले कितनी बकर बकर इतना मुंह फाड़ रहे हैं, 500 रुपए 300 रुपए। यार BMW के आगे पीछे चिपके, राजस्थान की महंगाई बोलते इसको। हाँ यार वो पीछे BMW वाइब्रेट क्यों कर रही है, चालू हो गई लगता है। यार बहुत टाइम लग रहा है यार, चालू हो गई। हाँ चालू भी हो गई, उड़ाने की। अरे वो BMW भाई काले हो गए मुँह। मेट्रो दिखा दे, मेट्रो आएगा ठीक है, किसी को घंटा नहीं दिख रही किसी को। वो सारे कहाँ चले गए, वो देखो उधर चले गए, उधर चले गए सारे। हेलो कहाँ चले गए, मिली कोई बस? मिली नहीं, नहीं मिली अभी तक, नहीं मिली बस यार कोई। तो यहाँ से तो 400-500 रुपए लेगा ऑटो वाले, तुम्हारे यहाँ मेरे 800 वाली। आज बैंड बज के रहेगी पूरी पूरी। अभी सुबह सारे अच्छे गोरे चिट्टे होके आए थे, टैन पड़ गए धूप में बैठे बैठे। वैसा आप क्या बोल रहे हो, आप भी टैन हो गए सारे? ये दो सपूत पीछे रह गए थे, अब आ रहे हैं। आओ भाई जल्दी आओ यार, चलो अपन भी चले, भग के चले थोड़ा आगे। मेरा देखे देखी सब है ना, व्लॉग बनाना शुरू हो गए। हाँ मेरे को भी ले ले फिर एक। गाइस हम जा रहे हैं मेट्रो में। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा मंदा ना वीडियो, मेट्रो था। उल्टा कर उल्टा। मेरा देखी देखी सब है ना, वीडियो बनाना शुरू हो गए, व्लॉग बनाना शुरू हो गए। तो गाइस हमारे साथ आ चुके हैं बिल्लू भाई, इससे मिलिए आप। बिल्लू भाई हमारे सबसे मोस्ट वांटेड मुंडे हैं। इधर सत्संग हो रहा है, सत्संग नहीं ले रहे तुम? सत्संग यहाँ पे तो हड़ताल चल रही है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं आने का। तुम लो भैया मैं कैश दे दूँ अपना, तो इनसे मिलिए।
ये लीजिए सर है, नमस्ते। चाटा मस्त बिल्लू का, वहाँ पे जाके पैसे निकालेंगे अभी नहीं कहाँ। ले ले मेरे, ले ले मेरे, ले 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 भाई, मेरे को तेरे पे भरोसा है भाई। अरे सबसे बड़े वाले यही है, ये देख ये सबसे बड़ा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला जो पीछे मुड़ता है। नहीं सबसे छोटा तो इसका है, पर सबसे बड़ा वाला यही है। सबसे बड़ा वाला यही है। बचा दियो, सारे शेयरिंग में जा रहे हैं, पर जाएंगे मेट्रो में। ले कवर में लाल के लाया, कवर में है? असली इंडियन होने की पहचान है ये। हाँ ये बात सही बोली तूने, कवर में पैसे रखो। कितने जने पहले करने तुमने को परसी चला दी? अब 8 8 बता दे। 108 रुपए लगेंगे। 108 सही बंदा लगा रहा कैलकुलेशन। ओए कैलकुलेटर चेक कर, अब इसकी अभी मैथ्स और साइंस दोनों चेक करता हूं मैं। तूने क्या लिए? साइंस बायो ली थी ना तूने? अरे मैं मेरी बन रही, रुक जा। ओए मेरी भी बन रही है, चीटिंग मत कर, मैं स्टार्ट किया था पहले व्लॉगिंग। तो गाइस अभी देखो मेट्रो में आ चुके हैं। चलो भाई मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हम, मेट्रो रेलवे स्टेशन। इनसे आगे चलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मेरी सर दर्द कर। जाम हो गया, जाम हो गया। हां भाई व्लॉगर। हां ये हमारे मंत्री जी, हमारे देखा देखी सारे पीछे पीछे यही शुरू कर दिए। तो हेलो एम जी, हमारे साथ आ चुके हैं निपुण भाई, और हमारे ब्लॉग में सागर। चलो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, अब टिकट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमारे बिल्लू भाई गए टिकटें लेने। क्या लगता है बिल्लू भाई इतनी देर से खड़े हैं पर साले टिकट ही नहीं हो पा रही? क्या लगता है कितने बजे आने वाले? आ गए बिल्लू भाई, आ गए आ गए, टिकट देंगे आपके लिए। ला भाई हमारी टिकट, हमारी टिकट। थैंक यू भाई, मेरे को मिला है ग्रीन टोकन। कैसे करता ठेठ, हमें नहीं जाती के। क्या चल रहा है? सट्टा चल रहा है, सट्टा चल रहा है। ये देखिए गाइस सट्टे चल रहे हैं, पुलिस बैठी हुई है, सट्टे खेल रहे। देखो गाइस सट्टे लग रहे हैं, तो सेशन चालू हो रहा है इन सबका। शुभम बदमाश सर, आपके ना चेहरा ब्लर आ रहा है, इधर आए, इधर आप बहुत ब्यूटीफुल क्यूट स्वीट प्रिटी। ओपे देखो ये हमारे दूसरे भाई, इनसे मिलवाना भूल गया आपको। सर सर आपका सर 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 एक फोटो सर 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 भाग गए। दस मिनट में चौपड़ बोल, तो 10 मिनट रहा है, मेरे को भी नहीं मिली, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे किसी को सीट नहीं मिली, सिर्फ एक को सीट मिली है। हाँ भाई इन सखियों की वीडियो बना। ओ लेडीज फर्स्ट, लेडीज सखियों, आपको कैसा लग रहा है? एक्सक्यूज मी लेडीज, कैसा दिख रहा है नज़ारा बाहर? नहीं नहीं अच्छा चलिए आप नज़ारा दिखा दीजिए बाहर। नज़ारा देख लिया आपने, अब सागर भाई कितना टाइम लगेगा पहुँचने? 10 से 15 मिनट गाइस। पक्का? 10 से 15 मिनट तक वेट करते हैं, तब तक आप बाहर के नज़ारे देखिए। साले यहाँ पे भी है सारे नज़ारे।
यहाँ उतरना है अपन। ये कुछ नहीं बन रहा ढंग से। हमारे अंशु भाई को सीट मिल गई अच्छी खासी। भीड़ बहुत है आज और अपन को और सारे हमको ही देख रहे हैं सारे क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं इसलिए सारे हमको देख रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉग चल रहा है सभी का। 1 2 3 मी चुप हो जा, 2 मिनट के लिए मैं बनाऊ जब डिस्कशन। यहाँ से देखिए शख्स मत देखिए मत देखिए। अगले साल मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। हम बड़ी चौपट पहुँच गए, हम फाइनली बड़ी चौपट पहुँच गए। अब होगी ब्लॉग की असली स्टार्टिंग। चलो अब निकलते हैं घर से भाई। बाहर निकलो बाहर निकलो यार, अंदर तो घुटन हो गई थी मेरे को। क्या फोटो खिंचवाएगा क्या यहाँ पे? अंदर इतनी देर से हम बैठे हुए थे पर मेट्रो बहुत फास्ट पहुँचा दी हमको। और मेट्रो से पहुँचने में मेट्रो से जाने में मज़े बहुत आए। यार तुम आगे दीवार बंद कर रखी है? हाँ आगे दीवार है। गाइड है, अभी एक भी नहीं बची। इनकी आईडी लिंक इन द बायो मिल जाएगी। ये कोई नहीं रुकता सालों में से। सालो मेरे लिए रुक जाया करो ना। रुक जाएंगे आते हैं अगली बार। तो हम पहुंच गए अपने। मैं वैसे तो यहाँ पे डेली आता रहता हूँ पर आज का मौसम कुछ ज्यादा ही अलग है। बादल देखो यार, बादल कैसे हो रहे हैं। रात को बर्फ गिर जाए इंडिया में तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ तो इंडिया में गिर जाए क्योंकि फॉरन में ही गिरती है हमेशा। देखो भीड़ चेकआउट करो यार आप। ये साले कभी मेरे लिए नहीं रुकते। अब इसके आगे हम या तो बस पकड़ेंगे या फिर हमें ना इसके आगे हम क्या पकड़ेंगे सागर भाई? मेट्रो। फिर से? अच्छा रिक्शा पकड़ लिया हमने। हवा महल उधर की साइड है यार, देखते हुए चलेंगे। हवा महल भी दिखाएंगे आपको। हवा महल भी दिखाएंगे आपको। रूम में कराऊंगा तेरी। बात बताओ, अपन जितने भी जयपुर के लोग हैं, आप हवा महल गए? मैं भी नहीं गया। और ये जितने भी हरामी है साले, ये भी नहीं गए, ये भी नहीं गए। एक बात समझ नहीं आती, अपन जब जयपुर में रह रहे हैं वो हवा महल नहीं जाते, जयपुर के जो बाहर रह रहे हैं। इसी बात है ना, बस भी आ गई। जो जयपुर के बाहर रह रहे हैं वो हवा महल जा रहे हैं। ऐसा हवा महल में दिख क्या रहा है यार? क्या पता हवा आती होगी अच्छी अच्छी, नहीं तो वहीं घर बनाना चाहिए हमें। बिल्लू भाई से पूछते हैं, उनको हम लेते ही नहीं है ना। बिल्लू भाई एक सवाल, एक सवाल। आप हवा महल गए? हाँ गए ना। हवा महल में क्या है? हवा महल में अलग यार लॉग है यार। स्टार्ट कर दिया पीछे गणेश जी। अरे आ गए यहीं से मेरा हवा महल गाइस। ये देखो गाइस हवा महल।
टेंशन ना ले, हमारे हाथ बहुत रहते हैं। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। हम जलमहल पहुंच गए अब, बिल्लू पूरा, पर वो इस साइड है। बीच में से निकल रहे हैं हम, के पास यहाँ पे भी पहाड़ है। मंत्रा भी देंगे देंगे, यहाँ पे भी पहाड़ है, बीच में हम लोग हैं। पर गाइस हम यहाँ पर नहीं जाएंगे अभी, थोड़ा सा आगे जाना है हमारे को, जो किसी को ही नहीं पता अभी। पानी पिछले साल से कम हो गया यहाँ पे, डुबकी लगाते हैं और हम इसके पीछे जाएंगे। किला बहुत बड़ा है, गाइस चेक करो व्यू। पानी है इधर और यहाँ पे मगरमच्छ भी बहुत सारे हैं। एंट्रेंस आगे जाके उतरेंगे। महल बहुत बड़ा है अंदर से पीछे तक फैला हुआ है, पूरा पहाड़ पे ही है। आधे टाइम यहाँ पे भी है ना, हम घूम के आएंगे, तब तक आप इसके नज़ारे चेकआउट कीजिए। देखो यार गाइस झील देखो, यहाँ पे पूरा पानी पानी होता है। वो देखो नाव, यहाँ पे बोटिंग भी होती थी। महल तो बहुत बड़ा है, ये महल बहुत बड़ा है, मैं इधर गया हुआ हूँ। सालो मेरे लिए तो रुक जाया करो, ये महल बहुत बड़ा है। इधर जाने के लिए अभी हमको टिकट लेनी पड़ेगी, ऊपर चलना। हाँ चलना आज बड़ा, यहाँ पे हर वीकेंड बहुत ज़्यादा वो रहती है भीड़। आप वो देखिए लोगों को कितनी भीड़ है, अभी अंदर जाएंगे तो और ज्यादा भीड़ आएगी। देखो यार भीड़ देखो, पागल भीड़ भाई, यार पागल भीड़ एकदम। ये हमारे यहाँ जयपुर की शान, ये जयपुर की शान है हमारे यहाँ की। कचरे की तरह इंसान भरे पड़े, कचरों की तरह नहीं, यहाँ पे तो ये बंदियाँ प्यारी प्यारी है पर मेकअप करके आई, लड़कियाँ सारी प्यारी है पर एक भी नहीं पटती, एक भी नहीं पटती, देख ही रहे सारे लोग यार। हेलो, पहाड़ देखो यार, जगह जगह नजारे यहाँ पे तो। अरे टेक भी करता रही हमको बहुत है, इधर भी जाएंगे हम आगे, तो अभी भी ट्रैफिक ही चल रहा है। हम जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं,
और कितनी दूर चलना है बिल्लू भाई? चलो चलो आ तो चलिए, अभी तो सामने चोटी पे, उस चोटी पे थोड़ी ना जा पाएंगे, उस चोटी पे कैसे चलेंगे भैया? तू ये बताओ भानगढ़ का क्या सीन है? भानगढ़ का सीन तो भैया अभी बहुत टाइम है यार, अभी तो हम 18 प्लस भी नहीं है। कितने बात की, एक साल छोटो क्या करें यार। और आप ये देखिए यार, ये गार्डन, इस गार्डन की क्या स्टोरी पता है क्या भाई? ये तनिष शर्मा ने बनाया था, उसकी जीएफ की है, उसकी अभी तक एक भी जीएफ पटी नहीं, सारी छोड़ के चली गई, सिंगल गई का। अपन बस वर्त कर रहे हैं आज का, सुबह सुबह मैं चेटा के तो आया भाई, और कितना चलना पड़ेगा यार, किसी से पता पूछ रहे हैं यहाँ पे अभी हम। हथनीकुंड जा रहे हैं, वहाँ पे मैं पहले भी बहुत बार ट्रैकिंग पे जा चुका हूँ, पर मैंने हथनीकुंड को क्या है ना प्रॉपरली नहीं देखा था, आज मैं प्रॉपरली देख सकता हूँ क्योंकि आज मेरे साथ घर वाले नहीं है मेरे, तो आज तो फुल मस्ती चलेगी। A few moments later. ये क्या चीज है भाई, ये मेरी डिस्कवर करी हुई जगह से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, तब तो कुछ जरूर अलग ही होगा। ये काफी जानी पहचानी जगह है मेरे लिए, ये अलग जगह है क्योंकि मैं उस वाले रूट से गया था, पिछले वाले रूट से, ये आगे वाला रूट है मेरे लिए। और यहाँ पे है ना, लोग भी बहुत सारे हैं, तब तो कुछ ज्यादा ही अलग जगह हो सकती है। ये ओल्ड टेम्पल देख लीजिए आप यार, गलियां तो बड़ी तंग है यार। अबे ये कहाँ निकल गए, ये देखो यार, क्यों बोल दिया, ये सारी पुरानी जगह जो मैंने पहले से डिस्कवर कर रखी है, पर मैंने व्लॉग अभी अभी चालू किया है वापस से, पहले मैं करता था पर घर वालों ने मना कर दिया, अभी तेरी एज नहीं है। अब ब्लॉगिंग तो डाल देगा तो मम्मी मेरा यूट्यूब चैनल देखेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल कर लिया। मेरी बहन मेरे फोन में छेड़खानी कर ले तो उसको मैं 100 रुपये रिश्वत देता हूँ, उसको मेरे ड्रॉअर में पड़ी हुई एक चीज के बारे में नहीं पता। हैं? हम जैसे कमीने दोस्त बता दिए तो? तुम जैसे कमीने दोस्त होंगे ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वो तो तेरे को वैसे पर भी नहीं। अगर तुम जैसे तुम्हारा सपोर्ट हुआ ना तो बाकी फालतू फालतू दोस्तों की जरूरत भी नहीं है। बात सही बोली ना मैंने, सही बात है। तो फिर लेकिन बताएंगे जरूर, तो कर लेना यार, मैं मम्मी को पटा ही लूंगा जैसे तैसे। अरे कह देंगे मम्मी थोड़ा आगे तो गए थे। हाँ यार, हथनीकुंड जा रहे हैं हम, यहाँ पे मैं बहुत बार ट्रैकिंग पे भी आया हूँ इसलिए मैं यहाँ की जगह जगह से वाकिफ हूँ। थक गए यार ये ढलान पे चढ़ते चढ़ते, थोड़ा सा और चलने ले जाए मुझे का हवाए हवाए। वो देखो और बिल्लो, बिल्लो भाई क्या कर रहे हो वहाँ पे? कुछ नहीं, दो गज्जिया बैठी थी, आ रहा है जा, आ जा, आवाज गूंज रही है भैया। यहाँ पे देखो नल्ले लोग बैठे हुए, ये देख 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 देख, भाग गया साला। वरना बेटी चो वीडियो मैं कितना ही जानू। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही दा बॉयज वाला सीन हो रहा है तेरे, मीम चल रहा है ना अभी जो।
वो तेरे पे सूट कर रहा है अभी। बिल्लू भाई एनर्जी एनर्जी बिल्लू मार के तेरे यार स्टिंग पिलाओ रे यार कोई। अभी तो और ऊपर जाना है हमें। सारे के सारे थक गए अब बैठेंगे यार। मंदिर है पीछे अभी तो और ऊपर जाना है। अभी तो मजे स्टार्ट हुए हैं। ये व्लॉग बहुत बड़ा बनने वाला है, पहला व्लॉग ही। फेर वेर भी रहते हैं। ये चेतावनी मेरे को बहुत पहले से पता है। आज एक साथ दो मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। तू भी तो है, तू भी तो है। अपन इतने बड़े वाले पुष्पा हम उल्टी साइड जा रहे हैं। मैं उधर की साइड जाता था, अब यहाँ पे जाएंगे हम। ये देखो हथनी कुंड आ गए हम। हम नीचे जा सकते हैं यार। वो फोन गिर जाएगा भैया, फोन गिर जाएगा या मेरी बैंड बज जाएगी यहाँ पे। ये दिखाइए अरे मेरे फोन का खराब। सामने का व्यू और इधर का व्यू, दोनों का व्यू देख लो। बीच में क्या है, धूप आ रही है मेरे यार। अब मेरा कैमरा क्या आईफोन वाला नहीं है, इसलिए अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही। अगर क्लियरिटी प्रॉब्लम होना तो आई एम सॉरी यार, क्योंकि मेरा फ़ोन सैमसंग का है और इतना बड़ा वाला भी नहीं है, पुराना है थोड़ा मॉडल। आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो मैं आईफोन ज़रूर ले ही लूँगा। हाँ इतनी जल्दी मैं 14 तो नहीं ले सकता, पर 11-12 तो ले ही लूँगा। मैं पिछली बार ट्रैकिंग में वहाँ की साइड से गया था ऊपर, वहाँ पर लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें रहती है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे उल्टी साइड, मतलब कुछ नई जगह तो है ही। ये तो हथनी कुंड है, ये तो पता है मुझे। यहाँ पे मगरमच्छ भी बहुत है। व्यू तो तगड़ा है यार, व्यू तो तगड़ा है, मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बहुत बार आया हुआ हूँ ना, इसलिए मुझे यहाँ पे अब कुछ मज़ा नहीं आ रहा। पर अब इन लोगों ने कोई दूसरी डायरेक्शन चुनी ना, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। थोड़ा मैं वर्ड्स भी गलत कर रहा हूँ।